मारवाड़ बिजनेस स्कूल राष्ट्रीय सेवा योजना के तीनों इकाइयों स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय और हनुमान प्रसाद पोद्दार इकाई द्वारा लगाए गए सप्त दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन 150 स्वयंसेवकों ने शनिवार को वार्ड संख्या 51 इस्माइलपुर के मलिन बस्तियों में साफ सफाई कर जागरूकता अभियान चलाया। स्थानीय पार्षद शहाब अंसारी ने विशेष शिविर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वार्ड संख्या 51 इस्माइलपुर के पार्षद शहाब अंसारी और मारवाड़ बिजनेस स्कूल राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा, जो हम कार्य कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के जो राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से बच्चों द्वारा सफाई अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। जहां जहां गंदगी है लोगों को बताना कि गंदगी को कूड़ेदान में रखें और सड़कों पर ना फेंके, और जहां जहां सफाई व्यवस्था खराब है, जर्जर है, वहां वहां सफाई व्यवस्था करते हैं बच्चे। और जागरूकता अभियान एक तरह से वार्ड इस्माइलपुर में फैलाने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम इनका धन्यवाद भी देते हैं। और जागरूकता जनता में फैलेगी निश्चित तौर पे, जब वार्ड स्वच्छ होगा, जिला स्वच्छ होगा, तो हिंदुस्तान भी स्वच्छ होगा। तो इस मिशन पे ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग बधाई के पात्र हैं। और स्वच्छ अभियान के तहत सारे जनता को इस मुहिम में साथ आना चाहिए, और सबका एक दूसरे के सहयोग से ही साफ सफाई जिस तरह अपने घरों में लोग करते हैं, उसी तरह वार्डों और सड़कों पे साफ सफाई या गली में रखेंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छा संदेश जाएगा और बीमारियों से दूर भी रहेंगे। कल से, जैसा आपको पता है कि कल से हमारे कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाइयों के तत्वाधान में सप्त दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। और आज कल तो बस्ती में बच्चे गए थे, सर्वे कार्य कुछ किया था, और कल ओपनिंग था, आज सर सफाई का कार्यक्रम होना है। और अभी इस्माइलपुर वार्ड में हमारे बच्चे जा रहे हैं, और वहां जाकर मंदिर, मस्जिद और जो गंदगी गली है उसको सर सफाई करने का उनका उद्देश्य है। और वहां के रहने वाले समाज में रहने वाले व्यक्तियों को यह संदेश देना है कि जहां हम लोग रहते हैं वहां की जगह को साफ सुथरा रखें, ताकि अनेक बीमारियों से बच भी सकेंगे और हमारा वहां का वातावरण भी स्वच्छ रह सकेगा। कितने 75 लड़कियाँ, 75 लड़के, कुल 150 स्वयंसेवक स्वयंसेविकाएँ उस स्थल पर जा रहे हैं।